हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो में हमारे जो सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे आज अकाउंट्स का पेपर देकर आए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूँ हमारे लॉ के सब्जेक्ट को लेकर। बाकी फाइनल वाले बच्चे जो कल पेपर देने जा रहे हैं या अभी इंटर वाले बच्चों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, वो वीडियो बस मैं आज ही थोड़ी देर में आपके लिए फुल मोटिवेशन के साथ दोबारा आऊँगा, लेकिन इस वीडियो में इंटरमीडिएट वाले बच्चे मेरे साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि आज के पेपर का जो भी हुआ, अच्छा बहुत हुआ या एवरेज या जैसे भी हुआ, जस्ट उसको माइंड में से निकालना मुश्किल तो मुझे भी पता है, सेम सिचुएशन से कई बार निकला हूं, लेकिन जरूरी है क्योंकि हमें लॉ के बारे में, क्योंकि अब हमारे पास हमारे हाथ में लॉ है, तो जितनी एनर्जी उसके दुख तकलीफ में वेस्ट करेंगे तो बेटर है इसकी अचीवमेंट में लगाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉ को। सिंपल सी आपको स्ट्रेटजी दूंगा, लेकिन एक एक चीज बताकर ध्यान से नोट कर लेना। लेकिन कोई भी बच्चा, मेरी ये उसको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी वहम ना करना कि मैंने तो कुछ और सोचा है, जब अभी मैं तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देख भी चुका हूं तो मैंने तो अपनी तैयारी शुरू कर ली है, तो बेशक आप वैसे करो, कोई वहम में नहीं पड़ना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एक एक पॉइंट आपको बताने लगा हूं। अच्छा लगे तो इसको फॉलो कर लेना। सबसे अच्छा, चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टडी विंडो की तरफ। ये लो, आपको मैं दिखा रहा हूं पास्ट 3 अटेम्प्ट्स का जो एनालाइजर का ओवरव्यू, क्योंकि एनालाइजर तो पूरा डिटेल में होता है, हर पेपर को कौन सा क्वेश्चन कहां से कितने नंबर का आया पूरा लिखा होता है चैप्टर का, लेकिन मैं आपको आज आपके लिए वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, वहम में आ जाओगे, तो आज आपके लिए यही बहुत है। देखिए मैंने क्या किया है, काफी बच्चे मुझे पता है कि आज का टारगेट रखकर बैठते हैं कि हम जो हमारा अदर लॉज वाले 4 चैप्टर हैं वो कवर कर लेते हैं, आज वो पूरी बुक खत्म कर लेंगे, कल सारा दिन लॉ करेंगे। मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, वैसे आप बाकी आपकी चॉइस है कैसे मानना है या नहीं, उस चैप्टर उसमें जो हमारे पास चैप्टर है, देखिए आपको सामने नजर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ गया एक तो हमारा, उसके बाद हमारे पास आ गया है नेगोशिएबल, जर्नल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन। इनको आज करने बैठोगे क्योंकि इतना प्रेशर बियर करके आए हो तो ये चैप्टर मजेदार नहीं है। मैं लॉ को अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं करवाता भी हूं, इतने मजेदार चैप्टर नहीं है, आपका मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आपको नींद आ जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप, देखिए मैंने नंबरिंग भी सेट की है और बाद में आपको स्क्रीन पर देखो प्रॉपरली मैंने बना लिया, ये भी आपको दिखा दूंगा। अगर हम आज की रात जो हमारे पास, अगर हम 3-4 घंटे अभी बैठ सकते हैं, देखिए अगर बैठ सकते हैं, सबसे पहले आपको चैप्टर नजर आ रहे हैं, ये देखो हमारे पास जो छोटे चैप्टर हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स चैप्टर नंबर 5 को मैंने पहले नंबर पर रख लिया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन छोटा चैप्टर है वो भी पहले नंबर पर, और एक हमारे पास डिविडेंड वाला। मतलब पहले नंबर का मतलब क्या हुआ, इन तीनों चैप्टर को हम पहले नंबर, मतलब सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी उठा लो और कोशिश करो अगर आप आज इन तीनों को, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ पेजेस स्मॉल है, देखिए मैं चल रहा हूं स्टडी के हिसाब से, नंबर ऑफ पेजेस स्मॉल है, दूसरा इनमें कुछ खास टेक्निकल नहीं होता और ये इजिली कवर हो जाते हैं। अगर आज आप इन तीनों चैप्टर का टारगेट रखोगे, आपके 2, 2.5 या 3 हो जाए फिर तो बहुत ही मजे वाली बात है। तो क्योंकि दिमाग कम चलता है आज का दिन, ये हम सबको पता होता है, तो ये आपके लिए एक होगा कि चलो आज ये 3 हो गए हैं, कल सुबह वाला जो टाइम है हमारा दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, सुबह होगा फ्रेश, आप 6 बजे 7 बजे भी उठकर लगे दोबारा, तो हम 11 या 12 बजे तक का टारगेट किसको रख लेंगे, नेगोशिएबल में। देखो आप देख रहे हो पिछली बार जैसे ये एमसीक्यू के मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, ये विदाउट एमसीक्यू हमें ऑलमोस्ट 12 नंबर का नेगोशिएबल में से, सॉरी अपना हमारा कॉन्ट्रैक्ट में से और नेगोशिएबल में से 10 नंबर का, इसका मतलब 22 मार्क्स की प्रिपरेशन हम सुबह उठकर बेटर वे से करते हैं। 11 या 12 बजे तक भी हमने ऑलमोस्ट ये 2 चैप्टर खत्म कर लिए तो हमारा एक बड़ा लॉट खत्म हो जाएगा। तीसरा और फोर्थ जो चैप्टर है जर्नल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब क्या हुआ, मान लो सुबह 12 बजे तक मैंने नेगोशिएबल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से कर लिया, अब बारी आएगी दोबारा लॉ की तरफ, चलते हैं, वो 3 और 4 मैंने छोड़े हैं, अब आ जाओ कंपनी लॉ की तरफ। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, देखिए ये आपका जो एरिया है इसमें से मैं देख रहा हूं पिछली बार ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का पेपर चला हुआ है, तो अगर 20 मार्क्स का लेकर चले तो आपको मार्क्स भी नजर आ रहे हैं, 9 मार्क्स का चैप्टर 2 से है, 6 मार्क्स का प्रोस्पेक्टस से है, 5 का शेयर कैपिटल से है। मैं इनको इसलिए रख रहा हूं पहले क्योंकि ये इजी चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, जो हमें जैसे नॉर्मली आपको मिलेगा ऑडिट वाले चैप्टर में या फिर हमारा मैनेजमेंट एडमिन वाला ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इन चैप्टर को अगर हम 3 चैप्टर को या 4 चैप्टर डेफिनेशन वाले को
सुबह का टारगेट दे ले 12 बजे के बाद का, कि ऑलमोस्ट अगर हम इनको अराउंड 3-4 बजे तक, 4 बजे तक भी खत्म कर लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा लॉ में। देखिए उसके बाद हमारे पास रह जाएगा चैप्टर नंबर 7 जिसको मैं 4 नंबर पर रख रहा हूं, और एक ये दो चैप्टर रह जाएंगे जिनको मैं 5 नंबर पर रख रहा हूं। मतलब 4 बजे के बाद अगर मैं बोलूं आप आ जाओ चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जिसमें से पिछली बार 16 नंबर का पेपर आया हुआ है, अभी मैं आपको देखो ये बोल रहा हूं साफ साफ कि इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं अवेलेबल होते तो उसको एक्सक्लूड करके बोल रहा हूं। और उसके बाद हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ऑडिट वाला चैप्टर मींस 9 और 10, तो इस हिसाब से फटाफट देखो कि क्या हमारा फाइनली बनेगा कि आज मतलब 2 नवंबर को हम रात को जैसे बैठे तो ये 3 स्मॉल चैप्टर्स आप आज मजे मजे के साथ, 1.5 घंटा लगाया एक खत्म हो गया सेटिस्फेक्शन होगी, फिर 1.5 घंटा लगाया दूसरा खत्म हो गया सेटिस्फेक्शन होगी, तो आपके 3 आज खत्म हो सकते हैं आसानी से। ये खत्म कर लो, सुबह 11 या 12 बजे तक का टारगेट रखो अपने कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल को, उसके बाद जो पहले 4 चैप्टर हैं स्टडी के हिसाब से उनको हम रख रहे हैं 3रे नंबर पर, आप 4 या 5 बजे तक उनको खत्म करो। मान लो अपने 5 बजे तक भी कर लिए, उसके बाद हम आ गए चैप्टर नंबर 7 की तरफ, वो थोड़ा बड़ा है मैनेजमेंट एडमिन वाला, तो उसके बाद तीसरे फर्स्ट 4 चैप्टर के बाद हम आ गए 7th चैप्टर के ऊपर, तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा चैप्टर नंबर 9 और 10 लॉ में से। तो अगर हम चैप्टर 4 को 8 बजे तक भी खत्म कर लेते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 7 को 8 बजे तक भी खत्म कर लेते हैं, तो 9 और 10 को अगर हम रात के 12 बजे तक, 2 चैप्टर रह जाएंगे, 12 बजे खत्म करके सो जाएं, तो सुबह मॉर्निंग वाला जो आपका फ्रेश डे होगा जिसमें हमने पेपर देने जाना है, 2 बजे हमारा पेपर होगा, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर ये जो जर्नल क्लॉजेज है उसके बाद इंटरप्रिटेशन है, अगर आप कोशिश करो अगर आप इन दोनों को उस दिन 2-3 घंटे लगाकर देख लो अच्छे से, तो एक तो ये होगा कि इनको दोबारा आपको दूसरी बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े बोरिंग है और इनमें थोड़ा सा डाटा अलग सा है, पढ़ते हो पूरा समझ आता है लेकिन बाद में लगता है क्या लिखें, तो इसलिए अगर इनको आप सुबह उठकर, मान लो आपने सुबह मान लो उस दिन 5 बजे भी उठ जाते हो, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे इन दोनों को कर लिया, एक तो इसमें से छोटा ही है मुझे पता है, तो उसके बाद बाकी अपना टाइम रिवीजन पर लगा लेना, तो इस हिसाब से आपका जो प्लान है मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ लेकिन दोबारा कहूंगा वहम कोई नहीं करना, अगर आपको लग रहा है आपका अपना कोई वे जो आपको मैनेज करके चला सकता है, या आप ऑलरेडी कोई वीडियो देखकर उसकी प्लानिंग की तरफ चल पड़े हो, तो बिल्कुल भी कह लो माइंड पर कोई प्रेशर नहीं लेना है, उसको फॉलो करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, डटे रहे, बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, हमने इस बार जीत हासिल करके वापस लौटना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।